अलैकुम जी। तो आज हम डॉन का जो शील माल है इसको बेसिकली ट्राई करने वाले हैं। अब यहाँ पे ना एक गलती होगी, मैंने जब उठाया ना तो इस पर लिखा हुआ था जी कि इसको तो माइक्रोवेव में करना है या फिर आपको ओवन में करना है। तो अभी मैं इसको, मुझे लेकिन जितना मैंने पढ़ा मुझे लगा सिर्फ ओवन में कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी, अभी मुझे पता नहीं था कि ये माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। मैंने सॉ दैट वीडियो, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इससे ना माइक्रोवेव के बजाय ना इसको करें तवे के ऊपर गरम। तो तवा मैंने रख लिया है, इसको मैं हीट होने दे रही हूँ और उसके बाद हम इसको करेंगे और इसको डीफ्रॉस्ट भी होने देना है। अनलाइक बाकी जो डॉन की होती है ना चीज़ें, उसमें क्या करना होता है आपको फ्रीजर से निकाला एक एक करके पराठा डाला वरना वो चिपकने लग जाता है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसको उन्होंने खुद कहा है कि आप इसको कर लें डीफ्रॉस्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको बटर भी लगा दें। ये तो इनका तरीका है, लेकिन कैसा ये निकलता है क्या नहीं, तो हम इसको ट्राई करते हैं। पैकेट खोल साथ मैं डर गई थी कि शायद इसका भी वही तरीका है कि इसे फ्रीजर में रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये अलहदा हो रहे हैं इजीली। मैं अंदर से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये है जी शीरमाल, ठीक है। अब ये काफ़ी हीट हो चुका है, ये हमारा शीरमाल है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर रखते हैं। तवा मेरा नॉन स्टिक है, आप चाहें तो कोई भी तवा यूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको इसके ऊपर, उन्होंने कहा था घी या बटर डालने में, ऑयल यूज करूंगी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी बटर और घी। दूसरी तरफ से भी हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा देखिए सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब ना आँच थोड़ी सी मैं हल्की कर लेती हूँ, बस इस तरीके से हल्की आँच पर इसको इस तरीके से हम सेकते रहेंगे दोनों तरफ से। ओके सो सॉफ्ट तो ये हो गए हैं, मैं ऐसे ही उतारने लगी हूँ क्योंकि मैं इसको मजीद गर्म नहीं करूंगी, ये जल रहे हैं। वेव बनाने से फ्लॉप आइडिया, माइक्रोवेव बनाते हैं हम। ये जल क्यों रहे थे, क्योंकि इसमें चीनी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था। बट अब इसको खा के ही देखें कि इसका क्या टेस्ट बना है। मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत यमी है, बहुत यमी है। मुझे क्रेविंग पूरी कर रहा है फिलहाल वाली। इसकी जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है तकरीबन। आपको दो स्टोरी बेसिकली डॉन का ही है, तो आप जो भी ब्रांड जहाँ से भी लेंगे आपको ये इजीली 400 के मिल जाएंगे। हाँ, ये प्राइस बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो ये बेचारा छोटा सा निकलता है उसके लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये ख़रीदें। और जो सही ताफ्तान बनता है ना उसकी इसने मेरी क्रेविंग पूरी की है तकरीबन 50-60% निहारी के साथ। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, ले सकते हैं, ठीक है, अच्छी प्राइस है। आप समझ लेना कि 400 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो ये आपको 100 रुपये का एक पड़ा। इट मीन साइज़ छोटा है बट इट विल बी वर्थ इट अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आ जाए तो।